सो हेलो एवरीवन, मैं एक वीडियो नई लेके आया हूँ आपके लिए। ये इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो है, अदरवाइज़ ऐसा कोई वीडियो बनाने का मेरा वो नहीं था, बट ये इन्फॉर्मेशन के लिए लेके आया हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी परेशानियों को फेस किया है और मैं नहीं चाहता कि ये परेशानियाँ और कोई फेस करे। क्योंकि पासपोर्ट बनवाना आज के टाइम में मुझे नहीं लगता इतना ईजी है। ईजी बहुत है बट परेशानियाँ बहुत सारी खड़ी हो जाती हैं, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ जाता है, मुझे लगता है ऐसा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, खुद ही अप्लाई किया, मैंने किसी के थ्रू अप्लाई नहीं किया, खुद ही एप्लीकेशन डाउनलोड की, उसके बाद सारा फॉर्म फिलअप मैंने ही किया और पेमेंट भी किया, सारा सारा कुछ मैंने खुद ही किया है। उसको मैं बताऊंगा आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है, फॉर्म में कैसे सबमिट करना है, कैसे आपको फ़ीस सबमिट करनी है, उसके मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे अपॉइंटमेंट भी मिल चुका है और मैं आपको फ़िलहाल ये बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और जो जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स ही हैं वो आप ज़रूर लेके जाइएगा, अदरवाइज़ वहाँ से खाली हाथ ही आना पड़ेगा आपको। क्योंकि मैं भुगत चुका हूँ एक बार और मैं आ चुका हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, सबसे पहले आपको चाहिए जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स है, सबसे पहले आपको चाहिए ई आधार कार्ड। ये आपके पास होना ही चाहिए, ई आधार कार्ड आपके पास होना ही चाहिए। और उसमें भी आपको ये ग्रीन टिक है, क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, ग्रीन टिक होना चाहिए, ये आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट में आपको चाहिए आधार कार्ड, नेक्स्ट में ये चाहिए आधार कार्ड, जो PVC आधार कार्ड है, ये मैंने आधार कार्ड की वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से मंगाया था। इसके बाद चाहिए आपको पैन कार्ड, इसके बाद आपको चाहिए पैन कार्ड, पैन कार्ड के बाद ये आपको बैंक की पासबुक विद लेटेस्ट फोटो एंड स्टैम्प और रिसेंटली जिसमें एंट्री कराई हुई, लेटेस्ट एंट्री विद लेटेस्ट एंट्री के साथ। अब मैं आपको बता दूं, मैं सिर्फ पासपोर्ट ऑफिस से जो लौट के आया था, सिर्फ और सिर्फ इसके वजह से लौट के आ गया था, क्योंकि मैं आधार वहाँ पर सिर्फ PVC जो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से जो आधार कार्ड मंगाया था मैं ये लेके चला गया था खाली। मुझे लगा सिर्फ आधार कार्ड से और मार्कशीट से बन जाएगा, मैं तुरंत ये लेके चला गया और मार्कशीट लेके चला गया और अपॉइंटमेंट मैंने ले रखा था, तो वो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि इससे नहीं चलेगा, आपको ई आधार कार्ड लाना ही पड़ेगा। तो मैंने अब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट दोबारा लिया है तो ये मैंने अभी निकाला है और इसमें इसमें भी ये था कि इसमें भी क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, सिग्नेचर वेरीफाइड होना चाहिए ग्रीन टिक के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको बिल्कुल वैसे ही डाउनलोड किया है। तो फाइनली मेरा उसमें अपॉइंटमेंट हो गया और मुझे डेट मिल गई है, मैंने फ़ीस भी सबमिट कर दी, मुझे डेट भी मिल गई है। और बहुत सारी मुझे परेशानियों को फेस करना पड़ा, मुझे गया मैं, फिर लौट के आया, फिर मैंने ये सारा आधार कार्ड डाउनलोड किया, ई आधार कार्ड डाउनलोड किया, उसको दिया। एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा कि अगर आप आधार कार्ड लेके जा रहे हो तो उसमें लेटेस्ट बायोमेट्रिक होना चाहिए, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। जैसे कि किसी का आधार कार्ड अगर 2014 में या 15 में बना है तो उसको आप बायोमेट्रिक को दोबारा से करवा लीजिए, अदरवाइज़ वहाँ पर वो आपको कैंसिल कर देंगे। लेटेस्ट बायोमेट्रिक के साथ आधार का ऑफिस से ऑफिस जा कर के आप अपना बायोमेट्रिक करा लीजिए, फिर लेटेस्ट जा कर के निकलवाइए। और फाइनली मुझे ये वहाँ से जो मैंने अपॉइंटमेंट लिया है उसका मुझे रिसिप्ट मिल गई है, जो मैंने आपका फ़ीस सबमिट किया है 1500 रुपये, मेरी 1500 मेरी फ़ीस सबमिट हुई और ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने इसके ऑनलाइन पेमेंट किया था UPI के थ्रू, और मुझे आगरा हेड पोस्ट ऑफिस आगरा फोर्ट का अपॉइंटमेंट मिल गया है। और ये मेरा अपॉइंटमेंट डेट 28 की है और इसमें मैंने जो मुझे रिपोर्टिंग टाइम मिला है 12:15 का मुझे रिपोर्टिंग टाइम मिला है, जो मुझे सुबह उस टाइम पे पहुंचना है। तो मैं आपको बस ये बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप कभी भी जाएँ तो इस तरीके से पूरी फाइल एक तैयार कर लें, जैसे कि मैंने अभी कर ली है। जब मैं अपनी इसके डेट के लिए जाऊँगा, मैं अपनी वेरीफाई इसका पूरा प्रोसेस कराने के लिए, तो मैंने पूरा अपॉइंटमेंट डेट के लिए पूरी फाइल बना ली है, यह मैंने डाउनलोड करके रिसिप्ट निकाल ली है, ये मैंने तैयार कर लिया है। इसमें मैंने अपना आधार कार्ड, जो ई आधार कार्ड है वो फ़ोटो कॉपी करा के रख लिया है, जो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से आधार कार्ड मंगाया था उसकी फ़ोटो कॉपी, बैंक की पासबुक की फ़ोटो कॉपी, मार्कशीट की फ़ोटो कॉपी मैंने सारे अटैच करके, सेल्फ अटैच करके ज़रूर लेके जाइएगा, सेल्फ अटैच करके लेके जाइएगा। और इसके बाद जो आपको मैं बता दूं कि ECR और नॉन ECR,
अगर आप ECR कैटेगरी का पासपोर्ट बनवा रहे हैं तो आपको मार्कशीट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हाई स्कूल की मार्कशीट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ ई आधार कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, यही आपको चाहिए होगा। और जो नॉन ECR पासपोर्ट बनवा रहे हैं उनको चाहिए होगा हाई स्कूल की मार्कशीट और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स, वो भी इसलिए, वैसे तो आधार कार्ड से हो जाएगा, बाई चांस अगर आपका किसी में कोई स्पेलिंग मिसमैच होती है तो वो नेक्स्ट ID को सेकेंड ऑप्शन रखते हैं। तो मैंने आपको ये सब जानकारी दे दी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने फॉर्म कैसे फिलअप किया था, कैसे मैंने फ़ीस सबमिट करी थी ऑनलाइन, उसके बाद मैं आपको अपॉइंटमेंट डेट, जब जाऊंगा अपॉइंटमेंट के लिए उस दिन का वीडियो आपको दिखाऊंगा या आपको सेंड कर, मैं आपको अपलोड करूंगा। तो इसी के साथ मैं अपनी इस बात को ख़त्म करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।